जब भी कोई पोस्ट या एजुकेशन में बेनिफिट कैंडिडेट्स ने लेना होता है, दो प्रॉब्लम रिजर्व कैटेगरी को आती है। एक तो ये कि जो कैंडिडेट अच्छी मेरिट में आ जाते हैं, अच्छे रैंक में आ जाते हैं, जब वो रैंक अचीव कर लेते हैं जो जनरल कैटेगरी ने अचीव किया था, तो क्या उनकी सिलेक्शन जनरल में गिनी जाती है या रिजर्व में, या बाकी कैटेगरी के उन्हीं कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको फायदा होगा या नहीं। दूसरी बात यह है कि जो सीट्स बच जाती हैं रिजर्व कैटेगरी की, क्या वो सीट्स नेक्स्ट किस कैटेगरी को मिलनी चाहिए, अगर उस कैटेगरी में बच जाती हैं तो नेक्स्ट किस कैटेगरी में होनी चाहिए। ये दूसरा मामला जो डी रिजर्वेशन पॉलिसी का है। तो पहले बारे में पहले बात करेंगे तो थोड़ा सा समझ लेंगे रिजर्वेशन है क्या। रिजर्वेशन एक डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन दो तरह का होता है, एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन जो हिस्ट्री में होता रहा है, कुछ जो सोशल सेक्शन है उनको राइट्स नहीं मिले, राइट्स ना मिलने की वजह से डाउनवर्ड उनकी मोबिलिटी हुई है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, उनको मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में गिना जाता है। तो वो आइडेंटिफाई की जाती है कैटेगरीज और उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट, प्रेजेंट लॉ जो है, कानून जो है, गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, जिसको इक्विटी का कंसेप्ट भी आप बोल सकते हो। वो एक्स्ट्रा सपोर्ट जो देती है वो किस पर्पज के लिए होती है, कि अपवर्ड मोबिलिटी उन लोगों की हो जाए। ये जो अपवर्ड मोबिलिटी है, इधर जो इनजस्टिस था इधर उसको जस्टिस मिल जाए, इधर राइट्स नहीं थे उनको कुछ जो है राइट्स मिल जाए। अपवर्ड मोबिलिटी जस्टिस के कारण इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आगे फिर विवाद होते हैं, जो मैंने पीछे क्वेश्चन डिस्कस करके आया हूं वो उन विवादों पर बात करेंगे। इंडिया में दो तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन है, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। वर्टिकल का मीनिंग हम जानते हैं कि अगर देखना है तो इस रंग से देख लें, अपवर्ड ओके, मतलब तो ये है उसी लेवल पर, ये है, इट मीन लेवल वन से आप लेवल टू और लेवल थ्री या लेवल फोर इधर आप मूव कर सकते हो, ठीक। तो इसको समझने के लिए ये बेस है। पहले इस पूरे जो डाटा है इसको समझ ले, ये एग्जांपल लेके चले हैं, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, कोई डिस्क्रिमिनेशन, सभी जिनका ब्लड जो है लाल है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ने, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन ने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए कंपेल किया, दैट इज व्हाई कैटेगरीज बन गई। कैटेगरीज जो है जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, इनको वी लिखा है, वी मीन वर्टिकल। कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो तीन कैटेगरी है इनकी रिजर्वेशन जो है वो रिजर्वेशन वर्टिकल मानी जाती है। ये बाद में एंट्रोविया 2019 में इसकी बात नेक्स्ट जाके करते हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करते हो बेनिफिट लेने के लिए कि आपको पोस्ट मिल जाए या एजुकेशन का या जॉब का जो सीट है उसमें मिल जाए, तो आप फॉर्म में अपनी कैटेगरी फिल करते हैं। जो लोग फॉर्म में फिल करते हैं उनको बेनिफिट फर्दर कैसे मिलना है इस डिविजन से, ये रूल पक्का है कि ओबीसी, एससी, एसटी और अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अपवर्ड मूव कर सकते हैं, मान लीजिए उसकी एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी आपने टेस्ट दिया है उसकी कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की, ये रही जनरल कैटेगरी 70 मार्क्स तक गई है और ओबीसी की 65 तक गई है और ये जो एससी की है 60 तक गई है और एसटी की 50 तक गई है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 40 तक गई है, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर एक कैंडिडेट जो एसटी कैटेगरी से है उसके मार्क्स वो ले लेता है 72, इट मींस वो वर्टिकल अपवर्ड हो गया और यहां पहुंच गया। यहां अगर उसने 72 मार्क्स लिए हैं, इट मींस उसने अपनी एबिलिटी के कारण लिए हैं, अपनी रैंक के कारण लिए हैं और जहां अपने मेरिट पोजीशन के कारण लिए हैं। तीन वर्ड है, एबिलिटी, रैंक और मेरिट पोजीशन। इट मींस कि ये जो शख्स है जिसने 72 मार्क्स एसटी होते हुए ले लिए हैं, तो
तो वो शख्स को अब इस कैटेगरी में कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लिया जाता है, यहां पर ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एससी कैंडिडेट ने ऐसे 75 किसी ने ले लिए हैं, तो वो भी शिफ्ट होके यहां पर क्या किया, उसने अपनी कैटेगरी को ड्रॉप कर दिया और नेक्स्ट कैटेगरी हायर लेवल की जो कैटेगरी है उसमें जो है शिफ्ट हो गया। ये जो जनरल वर्ड है इसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी भी कह सकते हैं, वो रिजर्व से अनरिजर्व कैटेगरी में फिक्स हो गया। फॉर एग्जांपल अगर ओबीसी का कोई कैंडिडेट था, उसने 80 मार्क्स ले लिए, तो वो भी यहां से शिफ्ट होके यहां पर आ गया। कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का था, उसने 77 मार्क्स ले लिए, वो भी यहां से शिफ्ट होके अपवर्ड। ये जो अपवर्ड मूवमेंट है दिस इज वर्टिकल नोन एज। ठीक, अब एक है कि मान लीजिए हर कैटेगरी में कुछ लोग कैंडिडेट, मान लीजिए 10% यहां से निकल गए हैं, आप हम एसटी की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलो इकोनॉमिकली एसटी की लेके चलते हैं के एससी की, अगर 10% यहां से निकल गए हैं जो जिन्होंने हायर मेरिट में आ गए हैं, इट मींस उन्होंने इन कैटेगरी की अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी की 10 सीट्स ले ली हैं, और बाकी जो 10 सीट्स बचती हैं जो लास्ट लोअर के बच्चे हैं जो इस कैटेगरी में आ नहीं सके, वेटिंग में मान लीजिए थे, फॉर एग्जाम्पल लास्ट मेरिट इनकी 60 तक गई थी और 60 के बाद वाले 10 बच्चे जो हैं वो सिलेक्शन नहीं थे, वो सिलेक्ट होके यहां आ गए, इन्होंने 10 जाने जनरल या अनरिजर्व वालों को बाहर निकाल दिया, और इनकी जो नीचे वाले बच्चे थे लोअर मेरिट वाले बच्चे थे कैंडिडेट थे उन्होंने इनकी जगह ले ली। इट मींस यहां बेनिफिट हो गया, अगर ये हायर मेरिट में आ जाते हैं जनरल में आ जाते हैं तो इनको बेनिफिट हो गया अपनी मेरिट का, और बाकी जनों को जो इनके नीचे थे उनको फायदा हो गया रिजर्वेशन का। ठीक है, इट मींस के अगर मान लीजिए कि मान के चलते हैं 16% एससी की रिजर्वेशन अगर है, तो ये है कि मिनिमम 60% मिनिमम, ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, इट मींस के मिनिमम 16% जो इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो जरूर होंगे, इससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं जो हायर मेरिट ले जाते हैं। ठीक, इस तरह से एसटी के अब मिनिमम 7% है, मिनिमम 27% है, और इकोनॉमी के मिनिमम 10% जो है इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ठीक, दूसरी तरफ जो वर्ड हॉरिजेंटल जो कैटेगरी है वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है फीमेल्स की, 33% है, अगर हम इनको इनमें से रिजर्वेशन देते हैं, ठीक है, ये 60% बनी, ये 40% है, ये सारा बना, ये 60%, ओके, तो 60% में और 33% मिलाने हैं रिजर्वेशन के, ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये रिजर्वेशन वर्टिकल हो जाती है तो ये सीलिंग जो है एक लिमिट है, एक थ्रेशहोल्ड है, जो पहले 50% का था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 2019 में जो पास हुई इनकी रिजर्वेशन जो मिली है इनको, उसके बाद ये 60% होगी, 60% होने पर अगर 33 इनको मिला देंगे तो ये तो जनरल कैटेगरी का बिल्कुल ही मतलब जीरो ही हो जाएगा ना, उनका नहीं बचेगा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनको ऐसे रखा गया है कि इनको इन्हीं में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देनी है। फॉर एग्जांपल 33% अगर रिजर्वेशन है, ये अलग से नहीं होगी, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। फॉर एग्जांपल 40 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व से। ठीक, अनरिजर्व वर्ड यूज हो रहा है। ओबीसी से 27 सिलेक्ट हुए हैं 100 में से, एससी के 16 और एसटी के 7 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 10 कैंडिडेट मान लीजिए सिलेक्ट हुए हैं। इट मींस को जो सिलेक्टेड कैंडिडेट 40 हैं उनमें से 33% इनमें से फीमेल्स होंगी,
ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट ओबीसी के हैं इनमें से 33% मिनिमम वो जो फीमेल होंगी, ये जो 16% है इनको रद्द कर दूं, यहां लिख देता हूं, ये जो 16% है इनमें से 33% फीमेल होगी, ये जो 7% सिलेक्टेड हैं इनमें से 33% फीमेल होगी, और ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं इनमें से 33% फीमेल होगी। तो ऐसे ही एक्स सर्विसमैन, ऐसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पोर्ट्समैन, ठीक है, ऐसे भी मजहबी सिख एंड बाल्मीकि एंड रविदासी एंड अदर, इनकी इसमें से सब कैटेगरीज है। सो ये मेन कैटेगरी हो गई जो रिजर्वेशन की है, जो हॉरिजेंटल कैटेगरी है वो इनकी ही सब कैटेगरी बनती है, दैट इज व्हाई इनकी ही जो सीट्स हैं या जो पोस्ट्स हैं उनको ही डिवाइड किया जाता है। इट मींस के ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसमें हो जाए, इसमें हो जाए, इसमें हो जाए, इसमें हो जाए, ऐसा होता है हॉरिजेंटल जो है रिजर्वेशन में। हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है ये सीट्स हैं क्योंकि इसमें आके इक्वली रिप्रेजेंट होती हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि कई कैटेगरीज सब कैटेगरीज आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ये मेन कैटेगरी है और ये जो है हॉरिजेंटल कैटेगरी है। मेन कैटेगरी में आपने देखा होगा ओबीसी फीमेल, ओबीसी एक्स सर्विसमैन, ओबीसी पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे ही एससी फीमेल, एससी एक्स सर्विसमैन, एससी एक्स सर्विसमैन मजहबी सिख एंड बाल्मीक, एससी एक्स सर्विसमैन मजहबी सॉरी रविदासी एंड अदर्स, ऐसे ही एसटी फीमेल, एसटी एक्स सर्विसमैन, एससी पीडब्ल्यूडी, ओके। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जब कॉम्बिनेशन बनते हैं इट मींस के जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उनको इक्वली इसमें एडजस्ट किया जा रहा है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में ये बात जरूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल फीमेल कैंडिडेट हैं वो 33% मेरिट में ही आ गई हैं तो ये मान लिया जाता है कि उनको रिजर्वेशन मिल गई है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर 40 कैंडिडेट्स हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और दो कैंडिडेट्स फीमेल कम हैं, मिले नहीं हैं, ये ओबीसी के हैं इनमें एक कैंडिडेट फीमेल कम है, ठीक है, एससी में भी एक कम है मान लीजिए, तो उनको नीचे वाले जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनकी मेरिट लास्ट कट पॉइंट से कम है फिर उनको रिजर्वेशन दी जाती है। ये नहीं होता हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जैसे वर्टिकल में था कि अगर 10 जने यहां शिफ्ट हो गए हैं रिजर्व कैटेगरी के, 10 जने अनरिजर्व्ड में शिफ्ट हो गए हैं, पहुंच गए हैं, मूव कर गए हैं, मेरिट ले लिया है, रैंक ले लिया है, हाई मार्क्स ले लिए हैं, तो नीचे वाले 10 जनों को फायदा होगा। इधर हॉरिजेंटल में ऐसा नहीं है, अगर आप जनरल मेरिट फीमेल हाई 33% लेके क्लियर कर जाते हैं तो उनको 33 के बाद अपवर्ड मोबिलिटी नहीं मिलती। वर्टिकल रिजर्वेशन में जितने कैंडिडेट्स अपवर्ड मूव कर गए हैं, मान लीजिए 10 कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से जनरल में हाई मार्क्स लेके आ गए हैं तो उन कैटेगरी के बाकी कैंडिडेट की जो रिप्रेजेंट है जो बेनिफिट है वो बढ़ गए हैं, इट मींस ये मिनिमम नहीं रहे। फॉर एग्जांपल अगर ओबीसी के 27% है तो 5 कैंडिडेट्स ने हायर मेरिट ले ली है तो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ गई है, वो 27 से लेकर 32 हो गई है। लेकिन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसमें हर हालत में इनकी रिजर्वेशन है 33% ही, इतनी ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट अगर जनरल में पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, अगर उनकी सीट खाली रह जाती है तो क्या होता है, उसकी एग्जांपल लेंगे। यहां पर वर्टिकल हमारे पास है एससी, ठीक है, हॉरिजेंटल है फीमेल, इनकी जो बन गई सीट बन गई एससी फीमेल, ठीक है, ये हो गई, ये सब कैटेगरी हो गई एससी फीमेल,
ठीक है, ये जो नीले वाला है ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो रेड वाला है ये वर्टिकल है। ठीक, मान लीजिए 16 सीट्स हैं इनकी, 33% फीमेल को रिजर्वेशन मिली है, 33% करके इनकी बन गई मान लीजिए 5 सीट्स बनी है। अब 5 सीट्स में से ये मान के चल रहे हैं कि रंग ये ले ले, मान लीजिए दो कैंडिडेट्स जो हैं इनमें से उन्होंने 5 में से ये रह गए, यहां पर आ गए दो कैंडिडेट जिन्होंने 72-71 स्कोर ले लिया है, 71 और 2 स्कोर लेके वो क्या कहां आ गए जनरल कैटेगरी में। ये जो तीन दो थे ये चले गए ऊपर, ठीक है, दो इनमें से जिन्होंने ले लिए 63-62 ये इस रेंज में आ गए कि इनको इनकी कैटेगरी में मिल गए। और एक जो था लास्ट में मान लीजिए एक वो कैंडिडेट नहीं मिला। ठीक, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो ऊपर चले गए कैंडिडेट इनका क्या होता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो वर्टिकल कैटेगरी है ये एससी वर्टिकल कैटेगरी है, ऊपर चले गए तो एससी की सीट यहां कितनी कम हो गई, जो ये इन्होंने तो ये जनरल वाली दो ले ली, अनरिजर्व ले ली ना, अनरिजर्व की 2 सीट्स ले ली, तो ये एससी की 2 सीट्स अब नीचे से फिल की जाएगी। ठीक, ये बात, क्या वो नीचे से एससी फीमेल की फिल की जाएगी, इसका आंसर है नहीं, फीमेल की नहीं फिल की जाएगी, जरूरी नहीं है वो फीमेल ही हो, मतलब ठीक है फीमेल की नहीं फिल की जाएगी, क्यों, क्योंकि फीमेल वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि फीमेल अगर ऊपर भी चली गई है जनरल कैटेगरी के लेवल पर गेन करके स्कोर लेके चली गई है तो उसको ये समझा जाएगा कि उसका एससी फीमेल का कोटा उन दो ने 2 का पूरा कर दिया है। ठीक है, 2 यहां पर है, 4 का कोटा पूरा हो गया, 2 ऊपर चली गई ये और रेड पेन ले लेते हैं, 2 ये 4 का कोटा पूरा हो गया है, ये मान लिया गया है कि 4 एससी फीमेल का कोटा पूरा हो गया है, रिजर्वेशन पूरी हो गई है। ठीक, एक का नहीं हुआ इसकी बात करते हैं। अब ये जो एससी 2 ऊपर चले गए हैं तो ये नीचे से 2 एससी लिए जाएंगे अब। ठीक है, ये 2 एससी इररिस्पेक्टिव टू जेंडर होंगे, मतलब वो मेल भी दोनों हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, और एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, एक फीमेल एक मेल भी हो सकता है। ठीक, ये देखा नहीं जाएगा, सिर्फ ये देखा जाएगा कि नेक्स्ट एससी कैंडिडेट के इसके बाद मार्क्स किसके हैं, मेरिट हाई किसकी है, अगर वो सारे मेल हैं तो मेल यहां आ जाएंगे, अगर सारे फीमेल हैं तो यहां आ जाएंगे, अगर फीमेल भी हॉरिजॉन्टल की जगह पर वर्टिकल में रिजर्वेशन में होती तो ऐसा होना था कि ऐसी फीमेल की ये जो 2 सीट्स ऊपर जनरल में शिफ्ट हो गई हैं वो उसकी जगह पर नीचे से ऐसी फीमेल ही चुनी जानी थी, यहां पर ऐसी फीमेल ही चुनी जानी थी, फिर मेल के लिए कोई जगह होनी नहीं होनी थी। ठीक, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एससी वर्टिकल है, अब नीचे से एससी 2 उठाए जाएंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। ठीक, वो हाँ, तो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल का कंसेप्ट है यहां पर समझना सबसे मुश्किल हो जाता है कि जब ये कॉम्बिनेशन वाइज वाले ऊपर चले जाते हैं, तो ये बात स्पष्ट है कि अब नीचे से एससी फीमेल नहीं फिल की जाएगी, अब नीचे से एससी फिल किए जाएंगे, वो कोई भी हो सकता है। ठीक, अब इधर आ जाए, नेक्स्ट जो बचे हैं ये 2 कैंडिडेट तो ठीक है जी, अपने आगे कोई विवाद ही नहीं है, नेक्स्ट एक कैंडिडेट बचा है कि वो एससी फीमेल नहीं मिला नीचे से। ठीक, तो अब 3 प्रोबेबिलिटी बनती है, मान लीजिए कि कोई एससी ही नहीं बचा, अब कोई भी एससी कैंडिडेट मान लीजिए अवेलेबल नहीं है,
इसके बाद तो क्या ये सीट जो है ये यहां से निकल के क्या ये सीट एक जनरल को दे दी जाए। अगर ऐसा कर लिया जाता है तो इस कंसेप्ट को कहते हैं डी रिजर्वेशन। ठीक है, पंजाब में तो ये नहीं हो रहा, इसकी क्लैरिफिकेशन एक सेपरेट वीडियो में बता रहा हूं बिल्कुल एग्जांपल देके कि ये खाली सीट जो बच जाती है वो शिफ्ट कैसे कहां होती है। ठीक, तो ये रहा कि अगर कोई कैंडिडेट नहीं अवेलेबल, दूसरा कि कोई कैंडिडेट तो अवेलेबल है वो एससी मेल है। ठीक है, तो इट मींस ये जो कैटेगरी है दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्या ये दूसरा ऑप्शन क्या है ये क्या इसको नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट पोस्ट जब आनी है उसके लिए रख लिया जाए, जिसको हम बैकलॉग बोलते हैं कि जब एससी फीमेल की जो वैकेंसी नेक्स्ट टाइम निकलेगी यही पोस्ट निकलेगी तो उनमें एक प्लस कर दी जाएगी तो इसको बैकलॉग हो गया एससी फीमेल का। पर ये बात पक्का याद रखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद मुझे केस तो नहीं है, यूपी का केस था, उसमें ये कहा है कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो बैकलॉग में नहीं जाएगी हॉरिजेंटल की। ये बात और स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी की हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेटरी माना जाता है, उसको इससे थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। वो ट्रीटमेंट क्या डिफरेंस है ये मुझे क्लियर नहीं है। ठीक, तो ये बैकलॉग में नहीं जाती, नंबर एक ऑप्शन। क्या ये जनरल में जाएगी? नहीं, ये भी नहीं हुआ। क्या ये बैकलॉग में जाएगी जो फीमेल की है? नहीं, ये उधर भी नहीं जाएगी। तो ये किधर जाएगी? तीसरी ऑप्शन क्या है कि ये जो शिफ्ट होके यहां पर मेन जो कैटेगरी है वर्टिकल उसमें शिफ्ट हो जाएगी। मीन ये नेक्स्ट जो भी कोई एससी कैंडिडेट नेक्स्ट मेरिट वाला होगा उसको ये सीट दे दी जाएगी। तो ये थी कि जब जो सब कैटेगरीज हैं या वर्टिकल और हॉरिजेंटल मिलके जो सब कैटेगरी बनती है उनमें जो कंफ्यूजन होती है वो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि सबसे पहले मेरिट बनती है तो वो जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उसके हिसाब से बनती है, उस वर्टिकल रिजर्वेशन में बाद में जो लिस्ट बन जाती है उसमें देखा जाता है कि जो हॉरिजेंटल की रिप्रेजेंटेशन इक्वल जो जितनी चाहिए थी उस स्टेट ने दी हुई है उतनी आ गई है। फॉर एग्जांपल पंजाब ने 33% है, राजस्थान ने 30% है, क्या उतनी सीट्स इस कैटेगरी में आ गई हैं? अगर 33 इसमें आ चुकी हैं तो रिजर्वेशन मान लीजिए हॉरिजेंटल की हो गई। अगर खुद ब खुद 27 आ गई हैं यहां पर जो फीमेल है तो रिजर्वेशन हो गई। अगर 27 में से मान लीजिए 9 बन रही हैं सीट्स जो 33% है, 33% मान लीजिए 9 की 9 कोई भी नहीं आई तो 9 की 9 फीमेल जो है ओबीसी की नीचे से उठाई जाएगी। ठीक है, मान लीजिए 4 आ गई हैं 5 नहीं आई तो 5 उठाई जाएंगी। ठीक, तो जितनी नहीं आई ऑलरेडी जो लिस्ट बनी है उतनी जो नीचे से खींच गए जो इक्विटी का कंसेप्ट है, एक्स्ट्रा सपोर्ट का कंसेप्ट है, नीचे से जो नेक्स्ट मेरिट वाली है उनको यहां पर लाया जाएगा। तो इट मींस क्या बात हुई कि अगर तो जो जनरल जो ये जो डिवीजन है वर्टिकल रिजर्वेशन की उसके अकॉर्डिंगली जब लिस्ट बन जाती है उस लिस्ट में अगर हॉरिजेंटल की 33% जहां उससे ज्यादा फीमेल आ जाती हैं जितने एक्स सर्विसमैन है उससे जहां इक्वल जहां ज्यादा आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि रिजर्वेशन उनको मिल गई है। ठीक है, अगर कम है तो फिर नीचे से उस कैटेगरी के नेक्स्ट कैंडिडेट उठाए जाते हैं। अब इस कंसेप्ट को इन डिफरेंसेस को समझने के लिए जो पॉइंट वाइज हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट है ये रहा हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि कैन ड्रॉप देयर कैटेगरी, हॉरिजेंटल वाले अपनी कैटेगरी को ड्रॉप नहीं कर सकते, उसी कैटेगरी में रहेंगे, वर्टिकल वाले उस कैटेगरी को ड्रॉप करके नेक्स्ट कैटेगरी में हायर लेवल में जा सकते हैं. कैन शिफ्ट फ्रॉम रिजर्व टू अनरिजर्व और या रिजर्व टू जनरल, ये शिफ्ट नहीं कर सकते, ये शिफ्ट कर सकते हैं, पीछे वाली एग्जांपल आप रिकॉल कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, कैन ब्रेक द सीलिंग. सीलिंग क्या है कि एक लिमिट है कि 50% से अधिक, पहले ये लिमिट थी कि 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 14/1/2019 को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इनको ऐड कर दिया गया, 10% जो रिजर्वेशन इनको दे देगी, तो नई सीलिंग जो है 60% हो गई है. तो वर्टिकल ये क्वेश्चन है कि क्या सीलिंग को कौन सी जो रिजर्वेशन है तोड़ सकती है, हॉरिजेंटल या वर्टिकल. हर हालत में वर्टिकल रिजर्वेशन को तोड़ा नहीं जा सकता, इट मींस के 40% अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी के लिए रखी जाएंगी और 60 से 80 या 70 नहीं की जा सकती, इससे लिमिट नहीं बढ़ सकती. हाँ, दूसरी तरफ हॉरिजेंटल की लिमिट आप कोई भी सीलिंग ये एक्सीड कर सकते हैं, ऊपर जा सकती है. फॉर एग्जांपल 2016 में पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में 3% रिजर्वेशन जो पहले थी इस एक्ट में 4% कर दी. 4% का मतलब ये नहीं है कि ये हर स्टेट 4% ही देगी, इसका मतलब है कि मिनिमम 4% है, इससे अधिक जितनी मर्जी कोई भी स्टेट इनको दे सकती है. इट मींस ये जो हॉरिजेंटल है उसकी कोई सीलिंग या लिमिट नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, क्योंकि उस हॉरिजेंटल ने वर्टिकल कैटेगरी में ही एडजस्ट होना है. ठीक, ये नेक्स्ट डिफरेंस था. नेक्स्ट है फोर्थ डिफरेंस, जो कोटा है इनका, हॉरिजेंटल का कोटा फिक्स है. ठीक, जैसे पीछे बताया है कि 33% है, 33% फीमेल के लिए ही रहेगा. जो वर्टिकल का है मिनिमम कोटा होता है, मैक्सिमम वो बढ़ा सकते हैं कैंडिडेट, अगर वो कैंडिडेट हाई रैंक लेके, जो हाई रैंक का मतलब है कि जो कट ऑफ पॉइंट है वो जनरल कैटेगरी से ज्यादा है. फॉर एग्जांपल 70 की बात की थी, जनरल कैटेगरी के पास 70 का कट ऑफ है, तो और एक रिजर्व कैटेगरी का 72 मार्क्स ले गया है, तो वो उसमें शिफ्ट कर गया. मान लीजिए अगर 10 कैंडिडेट, ये बात पीछे हो चुकी है, 10 कैंडिडेट ऐसे शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो उनकी रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट की उतनी बढ़ जाती है, उनका कोटा उतना खुद ब खुद वो अपनी मेरिट के साथ बढ़ा लेते हैं, लेकिन इधर वो कोटा किसी भी तरह से बढ़ नहीं सकता. नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट ऑफ एबिलिटी मेरिट और हाई रैंक. मतलब यहाँ मतलब ये क्या है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले अपनी एबिलिटी मेरिट और रैंक का अपनी कैटेगरी को फायदा नहीं दे सकते, लेकिन जो वर्टिकल रिजर्वेशन में जो कैंडिडेट्स हैं अपनी एबिलिटी मेरिट और हायर रैंक का अपनी कैटेगरी को फायदा दे सकते हैं, क्योंकि वो शिफ्ट जनरल में हो जाते हैं, जनरल में शिफ्ट होने के बाद उनके नीचे वाले जो हैं उनकी रिजर्वेशन का फायदा ले सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, प्रमोशन. ध्यान से ये देखने वाली बात है, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसमें रिलेटिवली लेस देन वर्टिकल प्रमोशन हो रही है, इनकी प्रमोशन वर्टिकल की ज्यादा हो रही है, इनसे कम इनकी हो रही है, लेकिन इनकी जनरल कैटेगरी से ज्यादा हो रही है, जनरल कैटेगरी से. इट मीन सबसे ज्यादा प्रमोशन इनकी हो रही है, दूसरे ज्यादा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में हो रही है, और सबसे कम जो हो रही है, जो जनरल से तो कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है, तो ये फर्स्ट रैंक पर आ रहा है जो प्रमोशन है, ये सेकंड रैंक में आ रहा है, इनकी प्रमोशन इनसे कम है और इनसे ज्यादा है, ये पॉइंट है. अच्छा, मेन एंड सब कैटेगरीज, जो ये मेन कैटेगरी है, पीछे बात करके आए हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन में मेन कैटेगरी रहती है ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है. ठीक है, तो सब कैटेगरीज जो बनती हैं वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में बनती हैं,
जो सब कैटेगरी बनेंगी वो इन्हीं में डिवाइड होंगी, ये बात भी हो चुकी है। ये है 6 पॉइंट। नेक्स्ट है अप्लाइड टू, ये अप्लाइड होती है सेपरेटली टू ईच वर्टिकल कैटेगरी। मेरे ख्याल में अब समझ आ गया होगा, एक तरह से रेपिटेशन हो रही है। और ये हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल है, वर्टिकल सेपरेटली ईच स्पेसिफाइड कैटेगरी या स्पेसिफाइड ग्रुप अंडर लॉ। ठीक, ये डिफरेंस है। वैसे डेफिनेशन में जो हॉरिजॉन्टल की है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अदर कैटेगरीज, अदर कैटेगरीज फॉर एग्जांपल यहां ले रहे हैं फीमेल एक्स सर्विसमैन, ठीक है, स्पोर्ट्समैन ऑफ बेनिफिशियरी कटिंग अक्रॉस थ्रू वर्टिकल कैटेगरीज, जो ओबीसी में था, ठीक है, एससी थे, एसटी थे, तो इनको कटिंग करके इक्वल रिप्रेजेंटेशन इनमें इनकी होगी। 8 पॉइंट कैटेगरीज, ठीक, कैटेगरीज कौन सी है ये पीछे बात हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आ रहे हैं या फीमेल है 33%, फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, स्पोर्ट्समैन कोटा है, ये सारे उसमें आ रहे हैं। और वर्टिकल में ओबीसी एससी एसटी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अभी 2019 में शामिल हुआ है। 9th पॉइंट, कैन मूव रिजर्व कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी में ही रहेंगे, मूव नहीं हो सकते, ठीक, हॉरिजॉन्टल ये मूव हो सकते हैं, एक तरह से शायद रेपिटेशन लगे आपको, रिजर्व से अनरिजर्व में मूव हो सकते हैं। अच्छा, राइट्स, इनको राइट्स समझा जाता है, इनको हमेशा राइट्स नहीं समझा जाता, ठीक। ये 9th और ये 10th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 11th पॉइंट, ये आर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो है 15(3) और ये 16(4) आर्टिकल में कौन। नेक्स्ट डिफरेंस है कि स्टेट वाइज वेरिएशन, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें स्टेट वाइज वेरिएशन बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल फीमेल को रिजर्वेशन पंजाब में जो है 33% है, राजस्थान में 30% है, किसी कई स्टेट में 50% है या इससे कम भी है। कई बार तो नोटिफिकेशन जब दिया जाता है उसमें फिक्स किया जाता है कि 90% फीमेल को रिजर्वेशन है, किसी में 50% है, किसी में 30%, ऐसे भी वेरिएशन है। लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन में इतनी वेरिएशन ऐसे नहीं है। बैकलॉग के बारे में ये मेजर डिफरेंस है, ये रिपीटेड नहीं है। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसमें बैकलॉग नहीं होता, और जो वर्टिकल है उसमें होता है। फॉर एग्जांपल एससी फीमेल की जो सीट है, मान लीजिए वो कैंडिडेट लास्ट, ये कैंडिडेट की सीट है, वो फीमेल एससी बचा ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, सॉरी अवेलेबल नहीं है, तो वो एससी फीमेल की सीट नेक्स्ट जो टाइम पोस्ट निकलती है, वैकेंसीज निकलती हैं, सीट्स होती हैं, तो उसमें प्लस हो जाती है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इधर जो वर्टिकल है, फॉर एग्जांपल एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, इरिस्पेक्टिव टू जेंडर या फीमेल और एक्स सर्विसमैन, तो इसकी एक सीट मान लीजिए बच गई है, तो वो नेक्स्ट ईयर में वो सीट प्लस हो जाएगी उस कैटेगरी की। अगर इस साल उसकी 10 सीट्स थी एससी की, तो एक कैंडिडेट इस साल नहीं मिला, तो नेक्स्ट ईयर वही पोस्ट में एससी की 11 सीट्स होगी। इसको कहते हैं बैकलॉग, और बैकलॉग को नेक्स्ट टाइम पूरा किया जाता है।